कल काशी दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। काशी को देंगे बड़ी सौगात, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। एटा में बूथ सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी और जेपी नड्डा रहे मौजूद, विपक्ष पर साधा निशाना। कैराना पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, महापंचायत में की शिरकत, किसानों को दी जीत की बधाई। बस्ती पहुंचे बीजेपी सांसद, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लाल टोपी से किसी को कोई खतरा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। सोमवार यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मुहूर्त दोपहर 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच का रखा गया है, जहाँ पीएम मोदी जल मार्ग से ललिता घाट तक पहुंचेंगे। वहीं ललिता घाट से गंगा जल लेकर वो मंदिर में परिसर में पहुंचेंगे। वहीं पूजा के लिए देश भर की प्रमुख नदियों का जल मंगाया गया है। इन पवित्र नदियों के जल के साथ पूजन विधि संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर इस भव्य आयोजन के लिए सभी 12 द्वादेश ज्योतिर्लिंग के अचरक को न्योता भी दिया गया है। इसके साथ ही इस दौरान चारों पीठ के पीठाधीश्वर और धर्माचार्य भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में कल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं, जहां पर वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विधायक विनय शंकर तिवारी, विधायक जय चौबे, संजय दीक्षित, गणेश शंकर पांडेय और कुशल तिवारी को सपा में अध्यक्षता दिलाई। इस दौरान उन्होंने सभी का स्वागत भी किया। कई मौकों पर हम आप एक दूसरे से लगातार मिलते भी रहे, लेकिन पार्टी दूसरी थी। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय मेरा पहला चुनाव था और पहला कन्नौज का जब चुनाव हुआ था, आप और आपके परिवार के सब लोगों ने मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद की थी। गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों को समझाने का काम किया था। और आज हमें खुशी इस बात की कि इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथी में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। साथ ही साथ बड़ी संख्या में और साथी लोग हैं, संतोष पांडे जी, संजय दीक्षित जी, समीर त्रिवेदी जी, शिव कुमार निषाद जी, योगेंद्र शर्मा जी, जलालुद्दीन सिद्दीकी साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, विमल दुबे जी, नाम लेना संभव नहीं है क्योंकि जितने लोग यहां बैठे हैं मंच पे हमारे साथ सामने, इससे भी ज्यादा लोग हमें आज अपने पार्टी कार्यालय में दिखाई दे रहे हैं। पूरा पार्टी कार्यालय भरा हुआ है, आज कहीं जगह खाली नहीं है। सड़क पर भी लोग हैं जो आ नहीं सकते थे अंदर। हमें तो ये डर लगता है कि बुलडोजर सरकार कहीं इधर न देख ले पार्टी काले की तरफ। और साथ ही साथ हमें खुशी है इस बात की कि किन्नर समाज के जो पहले भी पार्टी से संबंध हम लोगों ने सहयोग करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एटा में चुनावी बिगुल फूंका, जहां बीजेपी की ओर से बूथ सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्य के अंदर में हमारे मंत्री और विधायक और सांसदगण गांव गांव नगर नगर जाते थे। उस समय आपने देखा होगा, मैं
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी गया था, क्योंकि जिन लोगों ने दुष्प्रचार वैक्सीन के खिलाफ किया था उस समय तब मैं आया था फिर। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही थी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय कोरोना कालखंड के दौरान कांग्रेस पार्टी कहां थी, बहुजन समाजवादी पार्टी कहां थी, और बबुआ के लिए तो कहना ही क्या है। इन लोगों का कहीं अता पता नहीं था, ये सभी होम क्वारंटीन थे, घर में आराम कर रहे थे, ट्विटर पे दुष्प्रचार कर रहे थे। कोरोना कालखंड में गांव गांव, घर घर आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी, एएनएम, ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन विपक्ष का तब अता पता नहीं था। और अब जब चुनाव आ रहा है तो ये लोग भी अपनी अपनी बोली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं चौराहे चौराहे पर। देश के कोरोना प्रबंधन की दुनिया सराहना करती है और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की देश सराहना कर रहा है, लेकिन विपक्ष है कि मानने को ही तैयार नहीं कि कोरोना में भी कुछ काम हुआ है। भाइयों बहनों, आज ही सुबह हम लोगों ने अन्न योजना के कार्यक्रम को नए सिरे से होली तक आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। आपने देखा होगा अंत्योदय परिवार के लोगों को 35 किलो खाद्यान्न, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक भी दिया जा रहा है। आज से प्रारंभ हो गया है। थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, हम बचाव करेंगे। बचाव करने के साथ साथ फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? अभिनंदन, आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के जुड़ने के लिए, लेकिन याद रखना, भारतीय जनता पार्टी के 28,000 बूथों से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज के इस कार्यक्रम में आए हैं। और एक कार्यक्रम, एक सम्मेलन नहीं, ये तो महारैली है। और इस महारैली में आप सभी लोग आए हैं। और भाइयों बहनों, हर बूथ अध्यक्ष से मैं इस बात की अपील करूंगा कि वो अपने अपने बूथ पे सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लेने से छूटेगा नहीं, इस बात का संकल्प होना चाहिए, और कोई भी जरूरतमंद अन्न योजना से वंचित न होने पाए, यह भी गारंटी हम सबको निभानी होगी। क्योंकि जो जीवन और जीविका को बचाने का प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और भाइयों बहनों, आज ब्रज क्षेत्र के इस बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, एक तरफ आपने देखा होगा 2020 में 8 महीनों तक खाद्यान्न की सुविधा हर गरीब और जरूरतमंद को देने का कार्य हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वहीं इसी बूथ सम्मेलन में सीएम योगी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने आपको सुनाते हैं। ये 28,222 बूथ के अध्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं, ये केसरिया ही केसरिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि मीडिया के मेरे साथी एक बार कैमरा पीछे घुमा करके दुनिया को और देश को बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जब सम्मेलन करती है तो वो जनसभा बन जाती है, वो महारानी बन जाती है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
लोगों को साथ ले जाने की इच्छा, ये निष्ठा, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसलिए कूट कूट करके भरी है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वह धरती पर फर्क साफ है, सोच ईमानदार है, काम दमदार है। इस बात को हमको समझना है। ईमानदारी से लोगों की सेवा करने का काम जहां नेतृत्व ने किया वहीं हमारे करोड़ों कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रहे हैं। उन्होंने भी जान की परवाह बगैर किए हुए कोरोना में लोगों की सेवा की है, लोकहित में काम किया है, इसको हमको ध्यान रखना है। सारी पार्टियां वंशवाद के साथ जुड़ी है, वोट बैंक के आधार पर काम कर रही है, जातिवाद के आधार पर काम कर रही है, धर्म को धर्म से बात करके काम कर रही है। ऊपर से उठो, जम्मू कश्मीर से चलो, एक एक पार्टी वंशवाद से ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है। आप जम्मू कश्मीर उठाओ, आप हरियाणा उठाओ, आप पंजाब उठाओ, आप राजस्थान उठाओ, आप बंगाल उठाओ, आप उड़ीसा उठाओ, आप तेलंगाना उठाओ, आप आंध्र प्रदेश उठाओ, हर जगह क्षेत्रीय पार्टी और वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर विचारों के आधार पर एक ही पार्टी जो ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रजातंत्र के आधार पर खड़ी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत रविवार को शामली के कैराना पहुंचे जहां उन्होंने महापंचायत कर किसानों की जीत पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 13 महीने के आंदोलन के दौरान किसानों ने एक बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को कई लोग सरकार की हार बता रहे हैं, लेकिन ये सवाल हार या जीत का नहीं, सवाल इस बात का है कि पंच परमेश्वर होते हैं और उन्होंने सरकार से बात की, जिस बात पर सहमति बनी उसे हम मानते हैं। सरकार को 5 सदस्य समिति के साथ हुई सहमति पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान चिकित्सकों ने बहुत सहयोग किया है और साथ ही आसपास के गांव में बड़ी संख्या में आंदोलन स्तर पर आटा और अन्य खाने का सामान भेजकर बहुत लोगों ने मदद की है। भारत सरकार उसका पैसा देती है कि हमने 4,00,000 करोड़ रुपए की फसलें किसानों से खरीद ली। अब खतरा कहां पे है? 2,50,000 करोड़ रुपया तो सीधा किसान के आ जाएगा और 1,50,000 करोड़ रुपया जाएगा व्यापारी की जेब में जो सस्ते में आपसे खरीद के और MSP के नाम पर भारत सरकार को बेचते हैं। तो 1,50,000 करोड़ रुपया तो आएगा वहां से, सरकार भी कौन नहीं देना उसमें। अगर गारंटी कानून बन जाएगा तो 4,00,000 करोड़ रुपए की जो खरीद होगी वो सीधी किसान से, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्रा रविवार को मथुरा पहुंचे जहां पर उन्होंने फरहा कस्बे में स्थित मूक बधिर बच्चों के साथ मुलाकात की। वहीं उन्होंने उसके साथ अपने विचार भी रखे, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा, साथ ही 2022 में BSP की जीत का दावा भी किया। हम दृष्टिबाधित लोगों के साथ में पिछले 35 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके लिए अनवरत हम लोग कार्य करते चले आ रहे हैं, उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और बाकी कार्य भी हम लोगों ने किए हैं, हर वर्ष करते हैं। यूनिवर्सिटी बनी, कई स्कूल बने दृष्टिबाधित के, महिलाओं के स्कूल, पहला लड़कियों का स्कूल
जब 2002 में हम लोगों की सरकार बनी थी तब बहन मायती जी ने देने का काम किया था, 2007 में बनी तो उन्होंने यूनिवर्सिटी देने का काम किया, और डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जिसमें कि खाली दृष्टि बाधित ही नहीं बाकी सब तरह के विकलांगजन रहते हैं और लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। आज पूरे विश्व में अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। आज हमारा कार्यक्रम जो था आगरा में चुनावी जनसभा है और उसी में हम जा रहे हैं, वहाँ पर लोग इस समय इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें चूँकि दृष्टि बाधित बच्चों से और एक पर्सनल लगाव है, ये हमारे तरह हैं सारे, तो इसलिए हमने पहले यहाँ आने का काम किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं इसी बीच एक पार्टी ऐसी है जो कानून तोड़कर अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जहां गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कानून तोड़कर अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में अपनी संकल्प तिरंगा यात्रा के दौरान प्रचारक अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। बस्ती जिले में स्थित एक प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी से डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को लाल या पीली टोपी से ना कभी खतरा था ना ही कभी खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर सुशासन देने का काम करती है, जहाँ हर किसी को सम्मान भाव से देखा जाता है। बीजेपी सांसद ने कहा कि यूपी में कांग्रेस सपा बसपा और AIM-IM सभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और ये अभी सभी दो नंबर तीन नंबर के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जनता ने पहले ही सुनिश्चित कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर वन है और नंबर वन ही रहेगी। यूपी के पीलीभीत जनपद पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी सरकार में CA NRC लागू करने को लेकर हिंदू मुस्लिम के बीच आपस में मतभेद करने का आरोप लगाया। कहा कि मंच से मोदी जी की मां का सर्टिफिकेट पेश करने की बात कही और कहा कि बीजेपी सरकार में मुस्लिम का उत्पीड़न करने का आरोप भी उन्होंने लगाया। साथ ही प्रदेश में 2022 में एक बार फिर से सपा सरकार बनाने की बात कहते हुए बीजेपी को गद्दी से उखाड़ फेंकने की बात उन्होंने कही। इस देश से सांप्रदायिकता को ख़त्म करना है, हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को लाना है और इस देश के आखिरी आदमी को दो रोटी मिले, मंदिर मस्जिद का नाम पर नहीं बटना है। ये झूठे लोग जिन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात किया था, ये सारी इंडस्ट्री और फैक्ट्री बेच रहे हैं, नौकरी कहाँ से देंगे ये। जिन्होंने नोटबंदी के बाद कहा था कि आतंकवाद, अरे बंद करो ना, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, आतंकवाद बढ़ गया। रोज़ाना सुबह TV खोलो तो कश्मीर के अंदर रोज़ाना आतंकवादी और हमारी फौज से झड़प हो रही है। किधर आतंकवाद ख़त्म हुआ, किधर महंगाई ख़त्म हुई, किधर बैंक में पैसा आया। इन सब चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ कि भाई लाल टोपी के लोग क्रांतिकारी लोग निकल चुके हैं, सब इकट्ठा हो जाओ, काली टोपी वालों को हराओ, इस दोष को बचाओ। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ छेड़े गए अभियान के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र प्रभारी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया जो बाइक छीन कर फरार हो जाते थे। वहीं पुलिस ने पकड़े गए चारों बदमाशों से मोबाइल फोन और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ कर जेल भेज दिया है। अफजलगढ़ थाना प्रभारी ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 1 मोबाइल फ़ोन, 2 मोटरसाइकिल बरामद किया है। चारों अभियुक्तों में से 2 मुरादाबाद के, 2 अफजलगढ़ बिजनौर जनपद के रहने वाले हैं। इन्होंने संयुक्त रूप से डिलारी मुरादाबाद में और अफजलगढ़ में मोटरसाइकिल छीना था। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये चारों अभियुक्त अभी तक लाइट में नहीं आए थे, पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया कि फ्रेश अभियुक्तों को लाइट मिलाया एवं 2 घटनाओं का अनावरण किया। पुलिस को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है।
सीतापुर में रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के बांसुरा इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार के चलते कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा गिरी। वहीं इस हादसे में कार सवार फौजी सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों संग रेस्क्यू कर तीनों को तालाब से बाहर निकाला। वहीं CSC ले जाते समय तीनों व्यक्तियों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा की मनमानी से एम्बुलेंस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इटावा कानपुर नेशनल हाईवे 12 टोल प्रशासन की ओर से हो रही मनमानी के चलते एम्बुलेंस घंटों लेन में फंसी रही, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में बैठे मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कानपुर में विशाल धनुष भंग के नाम पर आस्था के मंच पर अश्लीलता परोसी गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम पर प्रशासन की ओर से रोक लगाने के बावजूद भी यहां बार बालाओं के ठुमके लगवाए गए। वहीं इसको देखने के लिए भारी संख्या में महिलाओं पुरुषों समेत बच्चों का जमावड़ा भी दिखाई दिया। आपको बता दें कि योगी सरकार की ओर से धार्मिक आयोजनों पर अश्लील नृत्य करने से पर पहले से ही रोक लगा दी गई थी, लेकिन कार्यक्रम आयोजकों की ओर से सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए इसमें बार बालाओं के ठुमके लगवाए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।